लखनऊ आपको लेकर चलते हैं, सीएम योगी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, देखिए। मित्रों, मैं आज की इस पीसी में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। आप सब जानते हैं कि देश के 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव का कार्य, चुनाव प्रचार का कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ चुका है और पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को होने जा रहा है। 7 चरणों में होने वाले इन चुनावों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने कल आदरणीय प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से अपना संकल्प पत्र जारी किया है। भारतीय जनता पार्टी 2014, 2017, 2019, 2022 के जो उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव या फिर लोकसभा के 14 और 19 के इलेक्शन थे, इन सभी चुनावों में या राज्य विधानसभाओं के चुनावों में पहले चुनाव से जो राजनीतिक दलों की एक परपार्टी बनी थी कि हम घोषणा पत्र जारी करेंगे, घोषणा पत्र नहीं बल्कि एक संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने जारी करना प्रारंभ किया और कल भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पावन जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से भारतीय जनता पार्टी का 18वीं लोकसभा के लिए अपना संकल्प पत्र जारी हुआ है। आपने कुछ चीजें संकल्प पत्र में देखी होंगी कि संकल्प पत्र की पहली 4 प्रतियां जिन 4 आधार स्तंभों को लेकर के यह चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उतरी है, उन 4 आधार स्तंभों को प्रतिनिधित्व करने वाली युवा, महिला, गरीब और किसान, एक एक प्रति उनको प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से प्रदान की गई। मित्रों, यह जो भी संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया है, आज भारतीय जनता पार्टी केवल एक राजनीतिक दल मात्र नहीं बल्कि भारत की मिशन को विजन मान करके, भारत के विजन को मिशन मान करके उसको प्रभावी ढंग से लागू करने की 140 करोड़ लोगों की आकांक्षा का प्रतीक बना है और इसीलिए इस पूरे चुनाव को जब हम देख रहे हैं तो जो देश का एम्बिशन है वह मोदी जी का मिशन है और जो मोदी जी का मिशन है, विजन है, वह हम सबका मिशन है। यह हर भारतवासी आज इसको इस रूप में लेकर के चलना है। संकल्प पत्र यह मोदी की गारंटी पर इस देश को विश्वास है और मोदी की गारंटी इस देश में आम जन की आकांक्षाओं का प्रतीक बना है। इसलिए थीम भी मोदी की गारंटी, मोदी जी ने पिछले 10 वर्ष के अंदर देश के अंदर जो परिवर्तन करके दिखाया है, जिस नए भारत का आज हम दर्शन कर रहे हैं,
गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाओं को फोकस करते हुए जिस प्रभावी ढंग से योजनाओं को जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य हुआ है, वह मोदी की गारंटी उसका आधार है। और मोदी जी की इस गारंटी को आधार बना करके आगामी 5 वर्ष के लिए हमारा विजन डॉक्यूमेंट क्या होगा, संकल्प पत्र में एक एक सेक्टर को चिन्हित करके उसका उल्लेख भी किया गया है। आपने इस बदलते हुए भारत को देखा है, पहली बार योजनाओं का 100% लाभ गांवों को, गरीबों को, किसानों को, युवाओं को, महिलाओं को मिलते हुए देखा है। लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ कोरोना जैसी महामारी के दौरान प्रारंभ की गई 4 वर्ष की योजना, 4 वर्ष से चली आ रही योजना आगामी 5 वर्ष के लिए जारी करने की बात, 60 करोड़ लोगों को देश के अंदर 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का आयुष्मान भारत की सुविधा, इसको आगे भी जारी रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी आश्वासन दे रही है। भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश, और इसकी शुरुआत होती है जनधन अकाउंट से। 50 करोड़ गरीबों के लिए जनधन अकाउंट देश के अंदर खुल जाना, चार करोड़ गरीबों के सिर को ढकने के लिए एक एक पीएम आवास की योजना को उपलब्ध कराना, इसके दायरे को बढ़ा करके आगामी 5 वर्ष में 3 करोड़ नए पीएम आवास योजना का लाभ उपलब्ध करवाने का कार्य, जैसे अनेक ऐसी योजनाएं, चाहे वह 12 करोड़ किसानों को पीएम किसान निधि में 6000 रुपए सालाना उपलब्ध करवाने के कार्यक्रम, इन सभी योजनाओं को जो पिछले 10 वर्ष के अंदर देश के अंदर प्रभावी ढंग से लागू की गई, इन्हें मोदी की गारंटी इस बात के लिए आश्वस्त करती है कि ये आगे भी इसी रूप में इसका लाभ बिना भेदभाव के सभी लोगों को प्राप्त होता रहेगा। और इन सभी कार्यक्रमों को लेकर के संकल्प पत्र ने नेशन फर्स्ट के अपने संकल्पों को आगे बढ़ाते हुए यह भी कहा, विकसित भारत की संकल्पना के लिए आत्मनिर्भर भारत चाहिए, और ग्लोबल लीडर के रूप में भारत को प्रस्तुत करने के लिए विकसित भारत चाहिए। विकसित भारत, यह हम सब भारतवासियों का सौभाग्य है कि आजादी के अमृत काल का यह प्रथम चुनाव, अब तक के किसी भी चुनाव में पहला यह चुनाव है जिसमें आत्मनिर्भर और विकसित भारत की संकल्पना को लेकर के चुनाव लड़ा जा रहा है। और भारत ने, भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में इन सभी बातों का उल्लेख भी किया है। मोदी जी की गारंटी इस देश के हर तबके के लोगों के लिए एक प्रमाण है, या देश की अस्मिता का हो, भारत की सुरक्षा का हो, भारत की आस्था का हो, भारत की अर्थव्यवस्था के संरक्षण और संवर्धन, इन सभी को लेकर के मोदी जी की गारंटी इस संकल्प पत्र का आधार बना है। और इसमें जिन 4 स्तंभों को ध्यान में रख के कार्य किया गया है, युवा के लिए जो योजनाएं पहले से चली आ रही हैं, चाहे वह पीएम स्टार्टअप की योजना हो, पीएम स्टैंडअप की योजना हो, पीएम मुद्रा की योजना हो, पीएम मिशन रोजगार का कार्यक्रम हो, इन सब के दायरे को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट के साथ जुड़ते हुए
पीएम मुद्रा योजना के दायरे को बढ़ाते हुए उसके दायरे को जो अब तक 10 लाख रुपए तक के लोन की सुविधा थी अब उसको 20 लाख तक करने का आश्वासन भी भारतीय जनता पार्टी का इस संकल्प पत्र उपलब्ध करवाता है। ऐसे ही नारी शक्ति के लिए मातृवंदना योजना से लेकर के नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित होने तक संसद और विधानसभाओं में भी 33% आरक्षण की गारंटी तो देता ही है, लेकिन इसको प्रभावी क्रियान्वयन भी होना है। 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना, और यह अभियान आगे बढ़ेगा, इसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में इसका उल्लेख किया है। अब तक 10 करोड़ महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से यह कार्यक्रम आगे बढ़ाने के कार्य किए गए थे, अभी इसके दायरे को बढ़ाने की भी बात संकल्प पत्र कहता है। और यही नहीं, जब हम गरीब की बात करते हैं तो गरीब में पहली बार देश के अंदर इस देश के श्रमिक वर्ग को कहीं पहुंच पाया है, उसकी पहुंच हो पाई है। कोरोना कालखंड में उन्हें बेरोजगारी भत्ता देने की बात हुई, उन्हें सुरक्षा कवर देकर के एक सुरक्षा सम्मान देने का कार्य भी हुआ, सामाजिक सुरक्षा की गारंटी उन्हें उस समय मोदी जी की गारंटी ने दिया था, और स्ट्रीट वेंडर के लिए ठेला खोमचा रेड़ी और अन्य इस प्रकार के पटरी व्यवसायियों को भी प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए जो कार्यक्रम चलाए गए उसका क्रियान्वयन पीएम स्वनिधि योजना के दायरे को बढ़ा करके, अभी तक ये नगरीय क्षेत्र में था, ग्रामीण क्षेत्र में भी पीएम स्वनिधि के दायरे को बढ़ा करके लाखों स्ट्रीट वेंडर को, श्रमिक वर्ग को सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ हर प्रकार की सुरक्षा की गारंटी देने का आश्वासन भी यह देता है, यह संकल्प पत्र देता है। इसके साथ ही अन्नदाता किसान के लिए भी तमाम योजनाएं पहले से चल रही हैं, उसके दायरे को बढ़ाने का कार्य भी यह संकल्प पत्र देता है। और अगर मैं कह सकता हूं कि यह संकल्प पत्र एक ब्लूप्रिंट है नए भारत का, श्रेष्ठ भारत का, आत्मनिर्भर भारत का और विकसित भारत का। यह संकल्प पत्र घोषणा करता है भ्रष्टाचार के खिलाफ एक निर्णायक युद्ध का, अंत्योदय से सर्वोदय का, एक भारत श्रेष्ठ भारत का, आत्मनिर्भर भारत का, एक विकसित भारत का और ग्लोबल लीडर भारत का। यह संकल्प पत्र जिन भी सेक्टर्स को प्रतिनिधित्व करता है वे सभी मोदी जी की गारंटी पर आधारित है, और संभवतः यही कारण है कि पहला आम चुनाव है जिसके परिणाम के बारे में एक आश्वस्ति का भाव पूरे देश के अंदर पहले से देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोगों को इस बात पर विश्वास है, मोदी जी की गारंटी पर विश्वास है, विकसित भारत के प्रति उनकी जो आकांक्षाएं हैं उन आकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम मोदी की गारंटी बनेगा। इस बात को लेकर के जो गूंज पूरे देश के अंदर सुनाई दे रही है वह गूंज चुनाव के परिणाम के बारे में पहले से ही आश्वस्ति का भाव के रूप में हम सबको देखने को मिल रहा है। मित्रों, जो विभिन्न सेक्टर्स को यह संकल्प पत्र छूता है उसमें मैंने पहले भी बताया
कि 80 करोड़ लोगों को राशन की सुविधा का लाभ, निःशुल्क राशन की सुविधा का लाभ अगले 5 वर्ष तक देने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प पत्र में अपनी प्रतिबद्धता को दोहरा रही है। 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत की सुविधा तो मिलेगी, लेकिन साथ साथ इसके दायरे को बढ़ाने का भी आश्वासन देती है। गरीब को पक्का आवास देने का और उसके दायरे को बढ़ाने का भी आश्वासन देती है। झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों के लिए स्लम रीडेवलपमेंट स्कीम, इसके लिए भी आश्वासन या संकल्प पत्र देती है। और पीएम किसान सम्मान निधि के को भी जारी रखने का आश्वासन या संकल्प पत्र देता है। जो संस्थागत सुधार संकल्प पत्र जिसके लिए भारतवासियों को आश्वस्त करता है, उसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई लड़ने के लिए, देश के अंदर एक समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए, नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी विकसित कर अदालती कार्रवाई में तेजी लाने के लिए और भारतीय न्याय संहिता की तर्ज पर कॉमर्शियल और सिविल न्यायिक प्रणालियों में बदलाव करने के लिए भी संकल्प पत्र में उल्लेख किया गया है। चुनाव सुधार में भी वन नेशन वन इलेक्शन की अपने प्रतिबद्धता को भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में स्थान दिया है। देश के अंदर गरीबों की उन आकांक्षाओं के लिए पीएम सूर्य हर घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत प्रत्येक गरीब परिवार को प्रतिमाह बिजली बिल 0 करने के संकल्प को आगे बढ़ाना, मध्यम वर्गीय परिवारों के घर के पंजीकरण की कीमत को कम करने के संकल्प को लेकर के 3 करोड़ ग्रामीण क्षेत्र में लखपति दीदी बनाने के कार्यक्रम को लेकर के पीएम मुद्रा की योजना को उसकी क्रेडिट सीमा को दुगना करने यानी 10 लाख से 20 लाख करने के लिए, फसलों के लिए समयबद्ध तरीके से एमएसपी में वृद्धि करने को लेकर के और पीएम मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत बीमा कवरेज के विस्तार के लिए भी यह संकल्प पत्र अपनी प्रतिबद्धता को दोहराता है। पीएम स्वनिधि के दायरे को ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ाने के लिए भी सिंचाई, कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग और कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सभी के लिए कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन को देश के अंदर लागू करने का भी आश्वासन यह संकल्प पत्र हम सबको देता है। स्वस्थ भारत की गारंटी के तहत 70 वर्ष से अधिक के वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान भारत का कवर देने का, निःशुल्क इमरजेंसी और ट्रामा केयर मिशन लागू करने का, ट्रांसजेंडर के लिए पहचान पत्र सभी पात्र ट्रांसजेंडर को आयुष्मान भारत कवर देने का, पैरामेडिक्स, टेक्नीशियंस, फार्मेसिस्ट और स्टाफ नर्स के प्रशिक्षण को और सुदृढ़ करने का, मेडिकल सीड्स को बढ़ाने का और आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जन आरोग्य योजना और अन्य तमाम जो औषधि केंद्र हैं, इन सभी को भी और मजबूत करने, इनके विस्तार करने के लिए भी यह संकल्प पत्र अपनी प्रतिबद्धता को दोहराता है। महिलाओं के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लोकसभा और विधानसभा में लागू करने, सरकारी भर्ती परीक्षाओं में अनियमितता पर लगाम के लिए पेपर लीक नियंत्रण कानून को और सख्ती और प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए भी इसका प्रावधान संकल्प पत्र में किया गया है। समृद्ध व्यापारी के लिए एमएसएमई के लिए, जो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम के हमारे उद्यमी हैं, व्यापारी हैं, उनके लिए किफायती बीमा प्रोडक्ट, छोटे व्यापारी और एमएसएमई की को किसी भी आपदा के समय, आग है, चोरी है, कोई प्राकृतिक आपदा है, इनसे बचाव के लिए उनके लिए किफायती बीमा का कवर इन्हें उपलब्ध कराने और भारत को खिलौनों के विश्व स्तरीय निर्माण केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए भी यह
संकल्प पत्र में इसका उल्लेख किया गया है। 2025 भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं पावन जयंती कार्यक्रम को जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में मनाने के संकल्प के साथ यह संकल्प पत्र इनका उल्लेख करता है। 2030 तक भारत को विश्व इलेक्ट्रॉनिक हब के रूप में स्थापित करने, भारत को सेमीकंडक्टर और चिप मैन्युफैक्चरिंग का केंद्र स्थापित, भारत का हब, भारत हब बने विश्व स्तरीय, उसके लिए और बुलेट ट्रेन नेटवर्क का विस्तार पूरब, उत्तर, दक्षिण और देश में करने के लिए भी संकल्प पत्र में उल्लेख किया गया है। डिजिटल क्रांति में 5G नेटवर्क के विस्तार के साथ ही 6G टेक्नोलॉजी विकसित करने में का संकल्प भी इस यहां पे दोहराया गया है। ग्लोबल कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन के लिए बड़े कन्वेंशन सेंटर के दायरे को बढ़ाने, जैसे दिल्ली में यशो भूमि के साथ ही हमने प्रगति मैदान में भी देखा होगा कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर कन्वेंशन सेंटर के रूप में कैसे विकसित हुए हैं, उस प्रकार के एक नए सेंटर डेवलप करने के साथ ही पुलिस मॉडर्नाइजेशन के लिए भी टेक सेवी, टेक ट्रेंड और टेक से सुसज्जित बल के लिए भी राज्य सरकारों के सहयोग को भी राज्य सरकारों को सहयोग देने के लिए भी संकल्प पत्र में वचनबद्धता दोहराई गई है। एक सुरक्षित भारत के लिए और नए भारत के लिए नए IIT और IIM एवं एम्स की स्थापना, वन नेशन वन स्टूडेंट IID लागू करना, उच्च शिक्षा के नए केंद्र स्थापित करना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना और टेक्नोलॉजी के माध्यम से सुलभ शिक्षा सुनिश्चित करने के संकल्प को लेकर के यह संकल्प पत्र अपनी प्रतिबद्धता को दोहराता है। खेलो इंडिया खेलों के साथ ही देश ने ओलंपिक में और कॉमनवेल्थ में, एशियाड में या अन्य अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल जो टूर्नामेंट हुए हैं उनमें भारत ने अपने मेडल की संख्या बढ़ाने में काफी सफलता प्राप्त की। 2036 में भारत ओलंपिक की मेजबानी कर सके, इसके लिए भी यह संकल्प पत्र अभी से इसके अपने आप को इसके साथ प्रतिबद्ध करता है। खेलों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रोत्साहित करने के लिए नए स्टेडियम बनाने, अत्याधुनिक प्रशिक्षण केंद्र और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए सेवानिवृत्त खिलाड़ियों को शैक्षिक, रोजगार और पदोन्नति के अवसर प्रदान करने के लिए, खेल उपकरणों के मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करने के लिए और खेल क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देने और तकनीकी इकोसिस्टम के मदद के लिए भी यह संकल्प पत्र अपनी प्रतिबद्धता को दोहराता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, इनोवेशन के लिए देश के अंदर अलग अलग सिटी में साइंस पार्क स्थापित करने और मौसम के लिए तैयार और जलवायु स्मार्ट बनाने के लिए राष्ट्रीय वायुमंडलीय मिशन शुरू करने के कार्यक्रम के साथ भी यह संकल्प पत्र इसका उल्लेख करता है। नदियों के संरक्षण और कायाकल्प के कार्यक्रम के साथ ही नमामि गंगे परियोजना के दायरे को बढ़ाने, सभी नदियों को फेज वाइज इसके दायरे में लाने के लिए कार्यक्रम को और दुनिया में रामायण महोत्सव के आयोजन को प्रोत्साहित करने के लिए भी यह संकल्प पत्र अपनी प्रतिबद्धता को दोहराता है। सुरक्षित भारत ये मोदी की गारंटी है और इसके लिए एकीकृत सैन्य थिएटर कमांड स्थापित किए जाने, साइबर सुरक्षा नीति को प्रभावी क्रियान्वयन करने के लिए संकल्प पत्र अपने आप को पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी देश की जनता को आश्वस्त करती है। भारत को विश्व फार्मेसी के एक हब के रूप में स्थापित करने के लिए भी यह संकल्प पत्र देशवासियों को आश्वासन देता है। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी
मोदी की गारंटी के आधार पर जो विकसित भारत की संकल्पना के साथ आगे बढ़ा है, हम उत्तर प्रदेश की ओर से इस बारे में आश्वस्त कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक बदलते हुए उत्तर प्रदेश को दुनिया ने देखा है और देश के अंदर जो आवाज है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 10 वर्ष के अंदर देश के अंदर जिस नए भारत का दर्शन 140 करोड़ भारतवासियों को कराया है, इसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि वह आवाज उत्तर प्रदेश के अंदर हर जनपद की है, हर संसदीय सीट की है। और इस आधार पर मैं कह सकता हूं कि 80 बने का आधार, एनडीए 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार का संकल्प अवश्य पूरा होगा और प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जारी किए गए संकल्प पत्र पर हर भारतवासी उसको अपना विजन मान, अपना मिशन मान करके, उनके विजन को अपना मिशन मान करके पूरी प्रतिबद्धता के साथ नई सरकार बनाने में अपना योगदान देगा। धन्यवाद। धन्यवाद।